ओके okay, तो अभी जस्ट मैंने मूवी देखा आदि पुरुष बय डी स्टूडियोज क्योंकि थिएटर से ज्यादा अंधेरा मूवी में था अब सुबह इस मूवी का टिकट फुल था तो मैं घर आके एक्सटेक्शन टू मूवी देखने के बाद साढ़े तीन बजे का शो देखने गया दिमाग को घर पे रख के क्योंकि मेरे को अंदाजा था कि मूवी कैसा होने वाला है लेकिन सरप्राइजिंगली फिर भी दिमाग का घोसला हो गया ये रामायण पर बेस्ड मूवी नहीं है कार्टून है और मजे का बात यह है कि कार्टून वाला रामायण इससे लाख गुना बेटर है सबसे पहले तो मूवी का स्टोरी जो कि लोगों को पता है लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है इसको आज के जनरेशन और हमारे मम्मी पापा को कैसे अच्छे से दिखाओगे अच्छे सी और एफ का यूज करके मूवी को रियलिस्टिक रियलिस्टिक दिखा के लेकिन इन्होंने क्या किया है है रियलिस्टिक के नाम रावण का दस सर दिखा दिया डिग्री और मूवी को पूरा काला कर दिया डार्क कर दिया ताकि मूवी को देख के लोग अंधे हो जाए फिर भी चलो एटलीस्ट मूवी का डायलॉग अच्छा होना चाहिए था लेकिन नहीं यहां तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा चल रहा है अरे भैया बेटी पढ़ रही है उनको उनको कोई नहीं रोक रहा है उनको पढ़ने दो लेकिन तुम बक्चुदी क्यों फैला रहे हो फिर भी चलो थैंक गॉड मूवी का बीजीएम और सॉन्ग अच्छा था जिसके वजह से अभी मैं जिंदा हूँ नहीं तो बस मेरा हो गया था घंटे का मूवी देख के भाई वही बैठे बैठे बेहोश हो जाता अब इन सारी चीजों को भी छोड़ के अगर तुम लोग एक्टर्स की बात करोगे भाई भगवान के गेटा पे सब अजीब लग रहा था स्पेशली प्रभाष भाई रामायण पे सूट ही नहीं कर रहा है और मूवी में एक तो अंधेरा फिर ऊपर से थ्री का चश्मा लगाने के बाद मूवी और थोड़ा सा फेड दिखने लगता है तो थिएटर में भाई हम लोग देखेंगे क्या ब्लैक स्क्रीन खैर जो भी हो हटा इन सारी चीजों को अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उस पैसे को नेटफ्लिक्स पे लगाओ और जाके देखो एक्सट्रेक्शन टू क्योंकि ये मूवी सिर्फ पैसों का बर्बादी है भाई पांच सौ करोड़ का मूवी और ये ये हालत देख लो भाई फिलहाल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग मूवीज रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो खत्म बाय